नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर एक बड़ा अपडेट जारी किया गया है। 17वीं किस्त के ₹2,000 पात्र किसानों के बैंक खाते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की DBT के माध्यम से ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं, जिसका हम आपको एक प्रूफ दिखाने वाले हैं। 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाते में इस बार ये 17वीं किस्त ट्रांसफ़र की गई है। यदि आप भी एक किसान हैं, आपने भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अपना आवेदन किया हुआ है या आप पहले से ही इस योजना का लाभ ले रहे हैं, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, DBT के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक क्लिक में ही ये पैसा ट्रांसफ़र कर दिया गया है। 9.26 करोड़ से अधिक किसानों को 20,000 करोड़ का सम्मान निधि सीधा बैंक खाते में ट्रांसफ़र किया गया है, जो कि भारत के ये सभी किसान थे, पात्र किसान, जिन्होंने इस योजना के तहत अपना आवेदन किया हुआ था। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, देखिए लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान, किसानों को PM किसान के 17वीं किस्त का ट्रांसफ़र। सम्मान निधि, देखिए लिखा है, सम्मान राशि पाने वाले किसानों की संख्या 9 करोड़ से अधिक है। आज जारी की जा रही है सम्मान राशि, यहाँ पर 20,000 करोड़ से अधिक ये धनराशि है। प्रत्येक किस्त ₹2,000 की है, जो कि पात्र किसानों के बैंक खाते में 18 जून 2024 को ये ट्रांसफ़र की गई है। अब देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से तो ये पैसा ट्रांसफ़र कर दिया गया है, लेकिन अभी जो अलग अलग राज्य के किसान हैं, कुछ किसान ऐसे हैं जिनको 18 जून को ही 17वीं किस्त का पैसा मिल चुका है, और कुछ किसान ऐसे हैं जिनके बैंक खाते में अभी तक ये पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो पाया है, तो उन्हें यहाँ पर कुछ घंटों का इंतज़ार करना होगा, 24 घंटे या फिर इससे अधिक भी समय यहाँ पर लग सकता है। अब देखिए, कुछ किसान ऐसे हैं जिनको 17वीं किस्त 18 जून को ही मिल चुकी है, और बहुत से तो ऐसे करोड़ों किसान हैं जिनको 18 जून को 17वीं किस्त नहीं मिल पाई, तो वे किसान सोच रहे हैं क्या हमें इस योजना का लाभ मिलेगा। जी हां, आपको 101% इस योजना का लाभ मिलेगा। 18 जून 2024 को जो किस्त ट्रांसफ़र की गई है, 17वां किस्त वे आपके बैंक खाते में ज़रूर ट्रांसफ़र की जाएगी। देखिए, केवल और केवल उन किसानों के बैंक खाते में ये किस्त पहुंचने वाली है जिनका EKYC पूरा है, जिन्होंने अपना लैंड शेडिंग का कार्य पूरा कराया हुआ है, और जिन किसानों ने अपना बैंक खाते से आधार कार्ड को लिंक कराया हुआ है, ऐसे किसानों को 101% 17वीं किस्त जल्द ही उनके बैंक खाते में पहुंचने जा रही है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।